एक्सरसाइज पार्ट वन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी शोल्डर मूवमेंट, यानी जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर की, इसको आप कैसे इंप्रूव करें। आपको कोई भी शोल्डर के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, यानी कि अगर आपको शोल्डर में अगर पेन है, स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी है, तो हम हमारी ये जो शोल्डर सीरीज है उस पर हर सप्ताह सप्ताह वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो जानने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें। शोल्डर में कोई भी इंजरी होती है, मान लो अगर किसी को रोटेटर कफ टेयर है, टेंडिनाइटिस हो गया है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, किसी की सर्जरी हो गई है, इंस्टेबिलिटी आपको, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्रूव कर सकते हो घर बैठे बैठे, तो उसके लिए ये वीडियो को एंड कर दूँ। सो पहले स्टार्ट करते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। तो शोल्डर फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए, शोल्डर फ्लेक्शन इम्प्रूव करने के लिए इनिशियल स्टेज में आपको किस पोजिशन में आना है और आपको एक डॉबल लेना है, और डॉबल की मदद से आपको इस तरीके से आप पीछे लेके जाओगे। मेक श्योर कि आपका एल्बो इतना स्ट्रेट रहेगा और फिर हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। उसके लिए हमें एक डंबल लेना है और डंबल से आपको पूरा इस तरीके से फ्लेक्शन करना है। एल्बो से बेंड किए बिना ये मोमेंट आए तो हमको जितना हो सके उतना पीछे ले जाना है और वापस ले लेना है। यहाँ तक यहाँ से फिर से वापस ले लेना है। नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए आपको इस तरीके से क्वाड्रुपल पोजीशन में आना है। तो हम हैंड को रेज कर लेते हैं शोल्डर एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन। उसके लिए आपको इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, दोनों हाथ से डंबल को पुश करते हुए पीछे ले जाना है। नेक्स्ट इज द प्रोन शोल्डर एक्सटेंशन प्रोग्रेशन। उसके लिए हमें इस तरीके से प्रोन पोजीशन में आना है, डंबल को पुश करके एक्सटेंड करना है विदाउट बेंडिंग योर एल्बो। आपको शोल्डर इंजरी के रिलेटेड, स्पोर्ट्स इंजरी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।